क्या हाल है भाई? जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने लंदन में मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करके नून लीग को ज्वाइन किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान इस नालायक शख्स से छूट गई है। इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। इस तरह के नमूने हमने कौमी असम्बली में भेजे हैं और यह वहाँ पर बैठ कर हमारे मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। इसकी ये गुफ्तगू आप ज़रा चेक करें, इससे अच्छी गुफ्तगू तो 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। पहले आप इस नमूने की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई क्या हाल है? भाई जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने लंदन में मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करके नून लीग को ज्वाइन किया है और अब मैं लंदन से इतवार वाले दिन 4:30 बजे फैसलाबाद सरगोधा रोड मोटरवे इंटरचेंज पे आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि भरपूर तरीके से दोस्तों साथियों को लेके 4:30 कमालपुर इंटरचेंज पे जरूर तशरीफ लाएं। बहुत मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। इसकी गुफ्तगू सुनकर यकीनन आपको गुस्सा भी आ रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि किस तरह के नालायक लोग इस मुल्क में आवाम के ऊपर मुसल्लत है। इस शख्स ने पहले इस आवाम के साथ गद्दारी की, उनके मैंडेट का सौदा किया और अब जाकर एक भगोड़े शख्स के साथ इसने मुलाकात की है लंदन में और वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। और अब आपने तारीख में पहली बार ऐसा शख्स देखा होगा कि ये आवाम को कह रहा है कि मेरा इस्तकबाल करे। इसको भी मालूम है कि आवाम इससे शदीद नफरत करती है और अब तो इन्होंने जिस भगोड़े शख्स की पार्टी को ज्वाइन किया है उसके बाद इससे मजीद नफरत बढ़ जाएगी। आप इस हवाले से बताएं कि इस शख्स का फैसलाबाद में कैसा इस्तकबाल होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।